बया नन्ही सी ब्राउन येलो कलर की प्यारी चिड़िया जो अपने अनोखे घोंसले के लिए जानी जाती है, पेड़ की डालियों से उल्टी बोतलों की तरह लटके ये घोंसले हवा में डोलते पेंडुलम जैसे लगते हैं। घोंसला बनाते बया की इस वीडियो को तैयार करने के लिए हमने बेंगलुरु के पास अनेकल तालुका के हिनागड़ा, मुतनल्लूर और हिनक्की गांव को चुना। हमने 23 दिनों तक सुबह के वक्त अलग अलग जगहों पर जाकर शूटिंग की। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि घोंसले से हम पर्याप्त दूरी पर रहें ताकि चिड़िया हमसे असहज महसूस न करे। अंग्रेजी में बया वीवर कहलाने वाली यह चिड़िया गौरैया की साइज की होती है। नर बया के पेट पर और सिर का रंग गहरा पीला होता है, जबकि मादा के शरीर पर पीला रंग बहुत ही हल्का होता है। ऊंचे हिमालय को छोड़कर बया लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप और म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक पाई जाती है। बया झुंड में रहने वाली चिड़िया है। अनाज के खेतों, घास के मैदानों और झाड़ियों वाले इलाकों में इनके झुंड देखे जा सकते हैं। मानसून के दिनों में बया अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए बया ज्यादातर खजूर, बबूल और दूसरे कांटेदार पेड़ चुनते हैं। पेड़ों पर घोंसले प्रायः पूर्व दिशा में लगाए जाते हैं। कभी कभी बया पानी के किनारे उगे सरकंडों में भी घोंसला बना लेता है। बया के जीवन में उनके घोंसले का महत्व दूसरी चिड़ियों से बढ़कर है। घोंसला बनाने का काम नर बया करता है और उनके बनाए घोंसले के आधार पर ही मादा बया उसके साथ जोड़ा बनाने को राजी होती है। ज्यादातर घास के लंबे तिनकों से घोंसले बुने जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए बया खजूर के पत्तों को चोंच से चीरकर पतले स्ट्राइप भी निकालते हैं। अधूरा घोंसला बनाकर नर मादा को रिझाता है। मादा को रिझाने का काम नर बड़े अनोखे अंदाज में करते हैं। अपने अधूरे बने घोंसले से लटक कर नर बया पंख फड़फड़ाकर तेज आवाज निकालता है। मादा आकर्षित होकर घोंसले का मुआयना करती है। घोंसला पसंद आने पर वह नर को अपनी स्वीकृति देती है। फिर नर उत्साह के साथ अधूरे घोंसले को पूरा करता है। मादा को यदि घोंसला पसंद न आए तो नर उस घोंसले को अधूरा ही छोड़कर नया घोंसला बुनने में लग जाता है। एक घोंसले के लिए तिनका जमा करने में नर को लगभग 500 बार उड़ान भरनी पड़ती है और एक घोंसला लगभग 18 दिनों में पूरा होता है। घोंसला पूरा हो जाने के बाद मादा उसके अंदर प्रवेश करती है और तभी वह घोंसले में पहली बार हाथ लगाती है। घोंसले को अंदर से सजाने का काम मादा का होता है। आप इसे इंटीरियर डेकोरेशन कह सकते हैं। मादा अपनी चोंच में कीचड़ लाकर घोंसले के अंदर की दीवार पर चिपकाती है। इतना ही नहीं, कुछ मादा जुगनुओं को पकड़कर लाती है और घोंसले के अंदर मिट्टी में चिपकाती है। जुगनुओं से घोंसले के अंदर रोशनी होती है। घोंसला तैयार होने के बाद नर और मादा मिलकर बच्चे लाने की तैयारी करते हैं। मादा 2 से 4 अंडे देती है। अधिकतम 17 दिन लगते हैं अंडों में से चूजे निकलने में। इस बीच मादा अंडे सेती है और नर खाने का इंतजाम करता है। अगले 17-18 दिनों में बच्चे बड़े होकर घोंसले से बाहर कदम रखते हैं। दूसरी चिड़ियों की तरह बच्चों के बड़े होकर उड़ जाने के बाद घोंसले की जरूरत खत्म हो जाती है। बाद में ये घोंसले इंडियन सिल्वर बिल और मुनिया जैसी छोटी चिड़ियों के काम आते हैं।